नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। के पाठक फिर से सुर्खियों में हैं और फिर से सरकार के ही विधायक एमएलसी लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि के पाठक के उठाए गए इस फैसले को वापस लिया जाए। मनमानी है, गलत है, शिक्षकों को दंडित करने वाला है, परेशान करने वाला ये फैसला है। आपको बता दें कि के पाठक ने फैसला लिया है कि गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस जो हैं, यानी कहा जाए तो अब जो क्लासेस हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी और क्लास खत्म होने के बाद 1.5 घंटे यानी कि 12 बजे के बाद जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस चलेगी और ऐसे में 1.5 बजे शिक्षकों को स्कूल छोड़ना होगा। इसके कारण शिक्षकों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी नाराज हैं, उन्हें 4, 4:30, 5 बजे घर से निकलना पड़ रहा है। महिला शिक्षिकाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और 1.5 बजे उन्हें धूप में, इस कड़ी धूप में उन्हें वापस होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर विरोध जारी है। जदयू के विधायक पंकज मिश्रा जो हैं उन्होंने भी शिकायत की है, उनका कहना है कि ये गलत कदम है और बातें यहाँ तक आ रही हैं कि ये बात नीतीश कुमार को पता चल चुका है और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसको लेकर कुछ ना कुछ फैसला आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताएं कि ऐसे कदम आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आप देख ले, शीतलहर भी आया था उस समय भी के पाठक टस से बस नहीं हुए। इवन कि जो DM को अपने अधिकार दिए रहते हैं उनका भी प्रयोग करने पर उन्होंने प्रश्न उठाया। ऐसे में चुनाव का समय है और BJP भी काफ़ी परेशान है कि इससे शिक्षक जो एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है उनकी भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये जानबूझ के कराया जा रहा है, क्योंकि अगर देखिए, अगर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी भी अपर मुख्य सचिव में इतना जो है वो साहस की बात किया जाए, साहस नहीं है कि वो ऐसे कदम उठाए, वो भी अपने बूते हो ना हो शुरू से। चाहे वो के पाठक के हर एक बातों को लेकर विवाद बने, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सहमति होती है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या BJP को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब देखिए, इसका पूरा ये लबोलुआब ये निकलता है कि देखिए, शिक्षक जो हैं वो नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। नाराजगी का वजह है के पाठक, लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं, त्योहारों के समय ट्रेनिंग कर दिया जा रहा है, छुट्टियां नहीं दी जा रही है, काफ़ी कड़ाई बरती गई है, इसको लेकर शिक्षक नाराज हैं। और ऐसे में वो चुनाव का समय भी चल रहा है अभी लोकसभा का, तो क्या नीतीश कुमार जो हैं भले ही BJP के साथ गठबंधन में हैं लेकिन शिक्षक जो कि एक बिहार का बहुत बड़ा वोटर वर्ग है उनको नाराज करके BJP को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और ऐसे में उनकी नाराज़गी वोट के समय में जाहिर होना स्वाभाविक है। और इस तरह भी आपको बता दें, जो खबरें निकल के आती है उसके मुताबिक नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का या कम सीट आने का सबसे बड़ा वजह चिराग पासवान के बाद शिक्षकों को ही देते हैं। उनका ये मानना है, जैसा लोग कहते हैं, कि शिक्षकों ने इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें साथ नहीं दिया, हमें धोखा दिया। और ये भी कहा जाता है कि उसी का नाराज़गी जो है नीतीश कुमार के पाठक की तैनाती करवाकर और ऐसे फैसले करवाकर निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव चल रहा है और अब जो चुनाव जो 3 फेज का बचा हुआ है इसमें देखें तो ज़्यादातर सीटों पर BJP के उम्मीदवार खड़े हैं। और ऐसे में अगर शिक्षक नाराज होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, तो इसका फायदा जो है सीधे सीधी विपक्षी दल को होगा, BJP को नहीं होगा। तो क्या नीतीश कुमार जो हैं वो शिक्षकों के माध्यम से, के पाठक के माध्यम से अपना राजनीतिक बदला BJP से सधा रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है। और देखा जाए तो अभी चिराग पासवान के भी 2 सीटों पर चुनाव होना है, हाजीपुर फिर से वैशाली में। तो क्या नीतीश कुमार जो हैं वो शिक्षकों को टाइट करके BJP को परेशान कर रहे हैं? और आप देख लीजिए, BJP के MLC हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत फैसला है, इससे नुकसान हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, चुनाव के समय ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत निर्णय भी लिया गया है। लेकिन बावजूद आपको बता दें कि के पाठक पर कोई लगाम नहीं है, वो जो चाहते हैं वो होता है। ऐसे में पंकज मिश्रा जो कि जदयू के ही विधायक हैं उन्होंने भी इस कदम को काफ़ी जो है वो सही नहीं बताया है और
कहा जा रहा है कि एक दो दिन में जो है समय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इसी तरह जब हुआ था 10 बजे से लेकर 4 बजे तक विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा बयान दिया गया कि 10:45 में आएंगे, 4:15 में टीचर जाएंगे, लेकिन उसको लेकर कोई भी पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया। यानी नीतीश कुमार का विधानसभा में दिए गए बयान का भी जो वादा किया गया था उसका भी असर होते नहीं दिखा। तो ऐसे में दो तीन ही प्रश्न उठते हैं, क्या नीतीश कुमार ही ये सब कुछ करा रहे हैं या फिर नीतीश कुमार के हाथों से निकल चुका है बिहार का ब्यूरोक्रेसी? क्या के पाठक जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, जो मन चाह रहा वो कर रहे हैं वो? लेकिन इन सब में बता दें आपको, नुकसान बीजेपी को हो रहा है क्योंकि शिक्षकों की नाराजगी है और उनका यही कहना है कि इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही है और सबसे ज़्यादा महिलाओं को आ रही हैं। 6 बजे स्कूल पहुंचना है, 6:45 में उन्हें पहुंच जाना है, 6 बजे से क्लासेस शुरू होंगे और महिला जिनको अपने घर का सारा दायित्व संभालना होता है, ऐसे में उन्हें सुबह 5 बजे स्कूल के लिए निकलना, फिर से 1:30 बजे पहुँचती हैं, जबकि सुबह देखा जाए 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक की महिलाओं का ज़्यादा काम होता है, दोपहर में तो आराम का समय होता है। ऐसे में उनका घर प्रभावित हो रहा है, भीषण गर्मी है, लेकिन के पाठक को इसका कोई असर नहीं, उनका फरमान यथावत है। और बता दें आपको कि हो सकता है कि कुछ बयान आए लेकिन के पाठक इसको लेकर टस से मस ना हो। तो कहने का स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की हो सकती है कि शिक्षकों के माध्यम से वो भले ही उनको वोट कम मिले और इस तरह भी लोकसभा में एक दो सीट कम भी मिलता है या ज़्यादा जीते या कम जीते उससे नीतीश कुमार के सेहत पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी के सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है अगर लोकसभा में बिहार में शिक्षक जो हैं इस सरकार के खिलाफ अगर हो गए, अगर नीतीश के गुस्से में और मोदी को भी इग्नोर कर देते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी के लिए बड़ा हो जाएगा। तो क्या इसमें चल रहा है भगवान जाने, लेकिन बीजेपी नेताओं को भी अब साफ साफ ये नज़र आने लगा है कि नीतीश कुमार जो है के पाठक के माध्यम से हमें दंडित कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात है कि के पाठक पर लगाम लगता है या फिर शिक्षकों को 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लासेस गर्मियों के दिनों में करने ही पड़ेंगे, समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।